living life every day, late at night, not okay, all I want. Everyone, assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत अच्छी हूँ. So guys, आज है संडे और मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर पर और ये भी हैं साथ में और हम लोग अपने घर जा रहे हैं, बस पहुँचने वाले हैं. रास्ते में ब्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं किया मैंने, एक दो रील शूट कर ली क्योंकि घर में टाइम नहीं मिलता है और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी रैंडम सी रील थोड़ी एक दो शूट की. अब बस हम लोग घर पहुँचने ही वाले हैं और बहुत दिन हो गए थे मम्मी के पास नहीं गए थे तो मैंने सोचा आज संडे है तो चलते हैं. और अभी जो टाइम हो रहा है मैं बता दूँ 2:30 बज रहे हैं, भूख भी बहुत ज़ोरों की लग रही है और बस जाते हैं और जो भी करेंगे आगे आगे आपके साथ शेयर करते हैं. सो मैं आ गई थी दोपहर के टाइम मार्केट क्योंकि मुझे लेना था बूट्स और मुझे ब्लैक कलर के बूट्स लेने थे तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी और मुझे अच्छे भी लग रहे थे जिस तरह के मुझे चाहिए थे तो उसी तरह से मुझे मिल गए थे कि साइड में डिटेलिंग एंड लेसेस वाले थे तो ये थे, साइज़ भी मिल गया था, बहुत अच्छे भी लग रहे थे पैर पर. और बूट्स तो मेरा ज़्यादा विंटर में ही पहनना होता है और तो फिर पहनना होता ही नहीं है और बस ये लिया मैंने, मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं. मैं देखो दिखा रही हूँ आपको इस तरह से. एंड उसके बाद हम लोग ने सोचा यहाँ पे बहुत ही टेस्टी वाली समोसे और आलू नहीं समोसे और ब्रेड पकौड़ा मिलता है तो मैंने तो समोसे खा लिया था, इनको खाने का मन नहीं था तो मैं ये खा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा. बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिलता है यहाँ पर और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, आलू बंडा भी है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो सब थी. मज़ा आ गया खाकर. और एक दो चीज़ और भी मैंने ली थी यहाँ पर. हाँ, मैंने एक जीन्स भी ली थी ब्लैक कलर की, मुझे चाहिए थी कंफर्टेबल सी तो वो भी मैंने ली. तो बस दो तीन सामान लेना था मैंने मुझे मार्केट से तो मैंने सब कुछ ले लिया. रात के 8:30 और मार्केट से मैं जो कुछ भी लेकर आई हूँ मैं आपको बाद में कल दिखाऊंगी, अभी तो सब कुछ रखा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं लाई. जो भी काम थे सब मेरे काम भी अभी हो गए हैं और बहुत देर से मैं अपने घर में सब बड़ी मम्मी के यहाँ बैठी थी, उनकी भी थोड़ी सी तबीयत बहुत ज़्यादा कल ख़राब हो गई थी तो इसलिए हम लोग उनको भी देखने आए हैं. अब अल्लाह का करम है वो बिल्कुल अच्छी हैं और घर में कभी किसी को कुछ ऐसा हो जाता है तो बहुत दिल को तकलीफ़ होती है लेकिन अल्लाह का करम है सब कुछ अच्छा है और वो बिल्कुल ठीक हैं, घर आ गई हैं हॉस्पिटल से. और अभी हम लोग बहुत देर तक नीचे उनके पास ही बैठे थे, बड़ी मम्मी मेरी नीचे रहती हैं. और ये क्या लेकर आए हैं, ये भी आ गए हैं अभी. और ये लेकर आए हैं अभी मैगी. मैगी किस खुशी में ये लेकर आए हैं मैगी ताकि मुझे मतलब बाहर नहीं लेके जाए. मैंने उनसे बोला था कि बाहर कुछ खिला के लेकर आना तो इन्होंने कहा नहीं. नीचे हाँ लीजिए खाइए आप, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है. और ये आयरा को लेने गए हैं बड़ी मम्मी के घर पर, वो नीचे है, उसे भी बच्चों को नूडल्स तो बहुत ही अच्छे लगते हैं तो अभी हम लोग नहीं खाएंगे, जब वो आएगी तो उसका वेट कर रहे हैं तब हम लोग खाते हैं. बहुत ज़्यादा गर्म है, देखना कितना खुश होगी नूडल्स को देख कर. ऊपर खा ले हमने, यहाँ खा ले. आओ बैठो ऊपर, आओ बैठ जाओ. चलो ये रख दो, ये बाद में ये देखो ये क्या ला, एक कटोरी दे ना मम्मी, एक तू कटोरी उठा ला जा. गरम 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 रखो बेटू, एक कटोरी डाल दो, धुआं दो ऐसे. देखो इधर 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 आए ना, आए ना, रुको रुको रुको, आए ना पहले हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो ऊपर, हेलो कर दो, हेलो देखो पहले आ रहा, हेलो कर दो, हेलो गाइस, इधर इधर गाइस, कैसे हो? कैसे हो? मैं तो मैगी खा रही हूँ. मैं तो मैगी खा रही हूँ, बहुत यम्मी है, यम्मी यम्मी. और सबको अस्सलाम वालेकुम करो. अस्सलाम वालेकुम. ओ मेरा बच्चो, लो कटोरी. पारस है बच्चा है, विश पारस है, यम्मी यम्मी. गोलू ने बोलू भैया गलम गलम है. रुको रुको रुको, फू करो. ऐसे नहीं हम बता रहे, खाला बताएंगे ऐसे करना. खालो खालो खालो
ये सो रही थी, अभी हाल उठी है तो अभी ये सो रही थी, अभी जस्ट अभी उठी है, सो रही थी ना आरू, इधर देख के बताओ, खा लो ये, वाह मजा आ गया, आया मजा, चलो इसे खाने देते हैं, हम लोग इसके साथ मस्ती करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। कहाँ जा रही हो बेटू? क्या खाएगी? और आरा पिज्जा खाएगी, पिज्जा खाएगी, मेरा बच्चा पिज्जा खाएगा, ओके। और किसके साथ जा रही है? आयरा के पापा कहाँ है? ये आयरा के पापा। और सबको अस्सलाम वालेकुम करो फिर से। कैसे हो आप लोग? मजे में हो? पूछो पूछो सबसे पूछो। जगह का नाम है चाय सिंह, वहाँ पर हम लोग अभी आए हुए हैं और अभी हम लोग ने यहाँ पर फ्राइड पनीर मोमोज और मैगी ऑर्डर किया है। और अब हम लोग यहाँ ट्राई करने वाले हैं फ्राइड मोमोज और ये पनीर मोमोज है, चलो ट्राई करते हैं। चलो ट्राई करते हैं। ये हम लोग टेस्ट करेंगे। ये मैं यहाँ पर अभी ट्राई करने वाली हूँ पेटीज पिज़्ज़ा, बहुत ही यमी था, हम सब लोगों ने भी खाया, बहुत ही यमी लग रहा था, है ना आरू, कितना टेस्टी था। और मैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी आरू भी मेरे साथ है, और ये देखो आरू ने भी खाया था, यमी था ना आरू पिज़्ज़ा, यमी था ना, बहुत ही अच्छा था और मज़ा आया। और हम लोग ने यही थोड़ी बहुत चीज़ें खाई थी, ट्राई किया था, न्यू न्यू जगह गए थे हम लोग और बहुत मज़े आए। सो गाइज,
गाइज अभी जो टाइम हो रहा है ठीक 12 बज गए हैं और मैं घर लौट आई हूँ और ये हैं, ये भी कपड़े अपड़े चेंज कर रहे हैं, मैंने चेंज कर लिया है, मैंने अपना नाइट सूट वेयर कर लिया है। वो वाला तो आपका लोअर गंदा डला है, ये वाला पहन लो ब्लैक वाला। और बस खाना खा रहे हैं आप? तो मम्मी ने इनको चिकन बनाया था तो वो पैक कर दिया है, तो मैं तो सब कुछ खा के आई हूँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, लेकिन एक दो बाइट तो इनके साथ देख ही सकते हैं। और बस आज का ब्लॉग यही था, आई होप यू आपको अच्छा लगा होगा। आज का दिन बहुत अच्छा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय गाइस। अभी टाइम जो हो रहा है, बज रहे हैं दोपहर के 2, घर के सारे काम हो गए हैं और क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो गई है, बेडशीट भी मैंने आज चेंज की है, और मतलब जितने भी घर के हाउस वाले जितने भी घर के काम थे सारे आज मैंने कर लिए हैं। आज मैं सोची थी मशीन लगा लूँ, बट आज बिल्कुल भी मन नहीं हुआ मेरा मतलब वॉशिंग करने का, तो जो भी काम है हम कल करेंगे। और अभी मैंने लंच नहीं बनाया है, तो आज मेरा मन कर रहा था कुछ चाइनीज़ बनाने का, तो सारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट मेरी डन है। तो आज मेरा मन है फ्राइड राइस और वेज मंचूरियन बनाने का, ठीक है, तो वो ही मैं बनाने वाली हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी। मैं जो भी मेरे पास वेजिटेबल्स हैं उसके साथ मैं बना रही हूँ। मेरे पास बीन्स नहीं है और बीन्स मुझे खास कुछ पसंद भी नहीं है, और ना ही ग्रीन वाली मेरे पास प्याज है, वो भी नहीं है, तो जो भी है उसके साथ मैं बना रही हूँ। उसके साथ भी बहुत टेस्टी बनता है, मैं ज़्यादातर मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और जो जो करते हैं वो आपके साथ भी शेयर करते हैं। इन दोनों के लिए एक तरह की वेजिटेबल्स लगती हैं, तो ये मैंने आधी निकाली है वेज फ्राइड राइस के लिए और ये मैंने निकाली है मंचूरियन बॉल्स के लिए। ग्रेवी वाली बनाऊंगी तो मैंने इसको अभी नमक डाल के रख दिया है। इसमें मैंने कैबेज लिया है, गाजर है और शिमला मिर्च है, वो सारा है। जो भी क्यूब्स में काटने की ग्रेवी के लिए प्रिपरेशन अभी नहीं किया है, क्योंकि बस अभी मैंने चॉपिंग वाला ही काम किया है। देन मैंने यहाँ पर अभी स्टीम राइस बना दिया है, तो यहाँ मैंने बासमती राइस का यूज किया है और ये मेरे स्टीम राइस बन के रखे हुए हैं। और अदरक लहसुन मैं सोच रही हूँ कौन ही काटे, ये ही डाल दे रही हूँ। मैं बड़ी ही ज्यादा आलसी टाइप की हूँ, तो मेरे पास है तो अदरक लहसुन का पेस्ट यही डालते हैं। वो मुझे अभी मन नहीं हो रहा है कि मैं बारीक बारीक चॉप करूँ, तो जैसा है इसी के साथ हम बनाते हैं मेरा फ्राइड राइस, ठीक है। और ये कॉर्नफ्लावर है, ये सब हम बाद में डालते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को रख देते हैं, मैदा को फ्रिज में से निकालते हैं, और भाई ये मैदा इसके अंदर है, इसको भी निकालते हैं। तो चलो जल्दी जल्दी से अपनी प्रिपरेशन करते हैं। जो मंचूरियन का मैंने ये तैयार कर लिया है आटा जैसा, और इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर, मैदा और काली मिर्च पाउडर, और ये सारी रेसिपीज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आज मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा खाना वाना बनाने में लेट हो गई और आज मैंने नाश्ता भी बिल्कुल हल्का फुल्का किया था, तो इसलिए अब मैं पहले बॉल्स बना के रख लूँगी ताकि ज़्यादा इसमें पानी, क्योंकि अगर मैं छोड़ दूँगी ना तो पानी इसमें से फिर से निकलने लगेगा, फिर इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स करो एंड मैदा मिक्स करो तो बहुत ज़्यादा वो रहे। तो बस मैं ऐसी बॉल्स बना रही हूँ मंचूरियन की। ये बॉल ज्यादा बड़ी हो गई, तो ये बना रही हूँ छोटी छोटी सी बॉल। और ना मैं ना घर में बहुत ही कम फ्राइड राइस तो मैं बना लेती हूँ, बट मंचूरियन नहीं बनाती हूँ। तो लेकिन आज मेरा बहुत ज़्यादा है ना चाइनीज खाने का मन कर रहा था, वो भी मेरे अपने हाथों का ही, क्योंकि बहुत टाइम पहले मैंने बनाए थे, तो फिर मैंने सोचा आज बनाते हैं। तो पर हस्बैंड भी बोल रहे थे कि बना लो, तो फिर आज मैंने निकाला कि चलो यही बना ही लेते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम ना चॉपिंग करने में ही लगता है सब्जियों की, तो वो तो मैंने ये काम तो चॉपर ने इतना ज़्यादा आसान कर दिया है। बस अभी मुझे क्यूब्स वाली अनियन काटनी है और शिमला मिर्च काटनी है और दैट्स इट। और मंचूरियन बॉल्स बन गई है, ये भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। और पहले मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस और उसके बाद मैं बनाऊंगी वेज मंचूरियन। तो पहले हम बनाते हैं फ्राइड राइस।
सो फ्रेंड्स, मेरा जो फ्राइड राइस है वो बनके कंप्लीट हो गया है। ज़्यादा मैं नहीं चला रही हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा जो राइस है वो टूट जाएंगे, और मुझे लग रहा है थोड़े से ज़्यादा बॉयल हो गए हैं। तो ये हो गया है, तो अब चलो नेक्स्ट प्रिपरेशन करते हैं। हमारी पैन निकालते हैं और हम बनाते हैं इसमें ये बॉल्स को फ्राई करते हैं, और इसी वाले पैन में बना लूँगी मैं। तो बंद करते हैं, ये मेरा कंप्लीट हो गया है फ्राइड राइस का। बंद करते हैं इसको, और जितना ज़्यादा ये मैस है इसको सबको हटाते हैं, सारे यूटेंसिल्स हो गए। मुझे लगता है ना साफ के साथ कचड़ा बिल्कुल भी स्लैब पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे काम करने का ही मन नहीं करता। थोड़े से यूटेंसिल्स रह गए, इसको वॉश करते हैं, और बस मंचूरियन बॉल्स फ्राई कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और अच्छे से, मैं सोची थी फट ना जाए, लेकिन ये तो वैसे फटती नहीं है और अच्छे तरीके से हो गई हैं डीप फ्राई। वाओ, आज मैं सोच रही हूँ क्या ही हो गया मुझे क्या ही हो गया मुझे, मैं इतना, एक घंटा होने वाला है ये करते करते, लेकिन अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है, बस अभी फ्राइड राइस बने हैं। तैयारी मैंने कर ली है, और अब इसमें जाएंगे सारे ही सॉसेस, चिली सॉस, विनेगर, चिली सॉस, विनेगर, डार्क सोया सॉस, चाइनीज खाना बनकर रेडी है गाइस। ये देखो, मंचूरियन एंड फ्राइड राइस, और उसके बाद मेरा फैला हुआ ये किचन, ये देखो आप, चन चना। अब इन सबको क्लीन करते हैं चुटकी बजाकर। सो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये सारी चीज़ें बनने में जितनी ज़्यादा टाइम लगता है खाने में तो पता चलता ही नहीं है कितनी जल्दी हम खा लेते हैं, और इतना ज़्यादा फैलावा हो जाता है बनाते बनाते। टाइम हो गया है 3:30 बज गए हैं, और बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ ये करते करते, और इन सबको जल्दी जल्दी समेटते हैं, और काम मेरा हो गया है सब कुछ, और मैंने बहुत सारी रील्स भी बनाई हैं। तो अब मैं किचन, मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता तो मैं इसलिए किचन में भी रील्स बना रही हूँ। बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है किचन की रील्स पर भी, थैंक यू सो मच। तो चलो जल्दी से मैं इन सबको क्लीन करती हूँ, यूटेंसिल वॉश करूंगी, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ये रख लिया है क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी है कल, तो मैंने सोचा उसकी प्रिपरेशन आज से करते हैं। तो मेरे पास ये 2 बॉटल में कॉफ़ी थी, बट वो नीचे से जम गई थी, तो वो कैसे निकालूं, क्योंकि मैं मेहंदी का जो पैक बनाती हूँ उसमें कॉफ़ी पाउडर डालती हूँ, और ये चुकंदर और टी का पाउडर मतलब चाय पत्ती, ये अभी डालूंगी, पहले ये सारा हो जाए क्लीन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कॉफ़ी थी, तो क्यों ही ज़ाया करूँ मैं ये कॉफ़ी, तो ये कॉफ़ी तो जाएगी। और ये देखो कितनी अच्छे से बॉटल भी क्लीन हो गई, बहुत सारी सारी थी लेकिन पूरी जम गई थी पता नहीं क्यों, तो मैंने सोचा इसको इस तरह से यूटिलाइज करें मेहंदी में। जब ये निकल जाएगा तो मैं इसमें चाय की पत्ती डाल दूंगी और ये डाल दूंगी, तो जो नेचुरली वर्गंडी कलर, कॉफी वर्गंडी कलर बालों में आता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलो इसको मैं बना लूँ जल्दी से, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब उसके बाद मैं मेहंदी को मिक्स करूंगी। ये निकल रहा है, तो चलो अब मैं इसको किसी चीज से उठा कर सिंक में रखती हूँ, तो इस कपड़े से उठा लेती हूँ मैं।
बहुत गर्म हो गया क्योंकि ये क्योंकि मुझे फिर बार बार यूटेंसिल नहीं वॉश करने पड़े, इसलिए मैं मेहंदी का पैक भी इस तरह से बना के, वो बहुत गर्म है ये, बना कर रख रही हूँ ताकि ये क्या हो, ये देखो दोनों बॉटल अच्छे से क्लीन हो गई। अब हम करते हैं फिर से इसको ऑन और अब हम डालते हैं इसमें ये भी चाय की पत्ती, इतना प्यारा सा कलर आएगा ना, ऐसा करके आप जरूर देखो कभी भी। और दालचीनी अगर डालनी है तो दालचीनी भी डाल लो। तो मैंने इस तरह से भर भर के 4 चम्मच डाल दिए। अब इसको मैं कम से कम 15 से 20 मिनट तक इतना अच्छे से, या आप देखो इसका कितना ही, कम से कम इतना नहीं हो जाएगा ना जब तक मैं इसे हलाती रहूंगी, और उसी के बीच मेरे यूटेंसिल भी वॉश हो जाएंगे तो दोनों काम मेरे हो जाएंगे। ऐसी डिश आ गई है। तो मैं क्या सोच रही थी अभी फ्रेंड्स कि खाना में इतना सा होता है, बना हम इतना सारा लेते हैं और बनाते बनाते मेरा इतना ज़्यादा मन भर गया कि मैं क्या ही बोलूं, मन भी नहीं कर रहा है खाने का, लेकिन जब बनाया तो खाना तो है ही थोड़ा बहुत। बनाते बनाते इसकी खुशबू इतनी भर गई कि बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा मेरा तो खाने का।